अरे नीतू बेटा कैसे हो? अच्छे क्या खाना बेटा आज? राम खिचड़ी। या क्या बात है, तो राम खिचड़ी बन रही है आज? मेरे को अच्छी लगती है। क्या बात, तभी बनाते हैं राम खिचड़ी नीतू के लिए। ओ नीतू इधर तो आ जा यार। नीतू कहाँ जा रही है? तो राम खिचड़ी बना ले हम। दोस्तों आज हम बना रहे हैं राम खिचड़ी। मारवाड़ में राम खिचड़ी बनी जाती है गट्टे का पुलाव बोलते हैं इसको। शादी ब्याह में बहुत बनती है, ब्याह शादी पापा की इच्छा हुई थी घर पर राम खिचड़ी बनाई जाए। तो चावल दूसरी तरफ उबल रहे हैं और इधर हम सबसे पहले इसके लिए मेहनत का काम होता है गट्टे बनाना। गट्टे बनाने के लिए हम दे रहे हैं बेसन। अपने गट्टे की सब्जी भी बनेगी इसलिए गट्टे थोड़े ज़्यादा बनेंगे। बेसिक भी हम आपको बता देते हैं कि गट्टा कैसे बनाना। वैसे इसमें एक कटोरी बेसन से भी गट्टा बहुत होता है पर पास में सब्जी भी बनेगी इसलिए गट्टे ज़्यादा बन रहे हैं। अब इसमें डाल दीजिए तेल, मोयन के लिए तेल डालेंगे। ये आईडी से डाला जाता है, लगभग समझ लीजिए 3-4 चम्मच डाल दिया है। इतना डालेंगे बढ़िया सब बनेगा, ज़्यादा भी नहीं डालना नहीं तो गट्टा बिखर जाता है। और नमक स्वाद के अनुसार डाल दीजिए बड़े, ये सब आखा धनिया डाल दीजिए बड़े। अब इसमें ये हींग पाउडर थोड़ा सा काला नमक भी डाल देता है, चटका भी डाल देता है हल्का सा सादा नमक। ठीक है अच्छा हींग है, ये हींग में हींग डाल रहे हैं स्वाद के अनुसार। हींग डाल दें लगा सादा नमक, सादा नमक ये सादा नमक डाल दिया, हींग डाल दी, मोहन के लिए तेल डाल दिया और थोड़ा सा काला नमक ये डाल दिए, हल्दी, लाल मिर्च स्वाद के अनुसार, थोड़ा मसाला तेज ही रखे तभी गट्टे का स्वाद हमें चटका लगा। थोड़ी सी डालेंगे चीनी और अब डालेंगे इसमें गरम मसाला, जैसे कि चटनी या दूसरी प्लेन गरम मसाला इसके अंदर डाल देंगे। मसाला दे दिया है ये गरम मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डालेंगे इसमें, कसूरी मेथी इससे गट्टे का स्वाद बढ़ जाता है। थोड़ी सी बिल्कुल लाइट जो नींबू सब दिया है उसका खट्टा मिटाने के लिए हमने डाल दी इसमें चीनी, हल्की सी चीनी और पूरे मसाले को अच्छे से मिला देंगे इस बार। एक बार फिर इसमें पानी डालेंगे ताकि इसमें मोयन पूरा बेसन में अच्छे से मिल जाए। गट्टे की सब्जी बनानी हो तो भी ये गट्टा ऐसा ही बनता है। तो ये है गट्टा बनाने के लिए, राम खिचड़ी का जो मूल अवयव होता है वो होता है बेसन का गट्टा। गट्टे ज़्यादा बन रहे हैं उस गट्टों की सब्जी बनेगी और बाकी गट्टे जो खिचड़ी बनाएंगे पुलाव बनाएंगे जिसको गट्टा पुलाव बोलते हैं हमारे राजस्थान में, इसको राम खिचड़ी बोलते हैं। अच्छे से मिला दीजिए पूरा, अच्छे से मोयन मिल जाए फिर इसमें पानी मिला के इसको आटे को अच्छे से गूंद लीजिए। पहले पानी नहीं मिलाएंगे, पहले इसमें आटे को अच्छे से अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें पानी मिला दीजिए, पानी सुविधा के हिसाब से ज्यादा नहीं मिलाना है, पहले कम मिलाना है नहीं तो गीला हो जाएगा। अच्छे से इस आटे में ऐसे मिला के ये टाइट गूंथ दीजिए, फिर इसको मोई बना देंगे और इसको पानी में उबालेंगे। दूसरी तरफ हमने पानी गर्म रख दिया है गट्टे उबालने के लिए, कढ़ाई में या कढ़ाई में गर्म पानी पहले से रख दिया है ताकि वो पानी बॉइल्ड हो जाए। आप रोटी का आटा बोलते हो वैसे इसको इसमें ध्यान रखें, गरम मसाला दूसरे मसाले से तेज डालें नमक वगैरह ताकि इसलिए पानी में उबलने के बाद भी क्या है इसमें मसाला हल्का हो जाए। पहले से मसाले तेज ही रखें इसमें बढ़िया बेटा, शक्कर बिल्कुल कम से कम इतना नींबू से बना है उसने इसे अच्छे से मछ लीजिए। थोड़ा सा तेल लगा दीजिए ताकि हाथों से आटा छोड़ दें। अच्छी तरह से आटे को गूंथ दिया गया है, इसकी पतली पतली लोई निकाल के इसको
पानी को 10 मिनट हो गया उबल गया, अच्छे से उबाल आ गया है। अब सारे गट्टे इसमें डाल दीजिए। ये खोलते हुए पानी के अंदर 15-20 मिनट में ये गट्टे अच्छे से पक जाएंगे। ढक्कन हो तो ढक्कन भी लगा दीजिए ताकि और जल्दी पके। तो 15 से 20 मिनट के समय के बाद जब अच्छे से पक जाएंगे तो फिर इनको निकाल देंगे और इसके ऊपर लगा देते हैं अभी ये ढक्कन, ताकि 10-15 मिनट में अच्छे से ये उबल जाए। पुलाव बनाने के लिए घर में लगभग 10-11 लोग हैं, 10-12 लोग, तो उन सब के हिसाब से ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लंबे वाले हाइकिंग चावल भी उबाल दिए हमने पुलाव बनाने के लिए, तो जिसे उबाल के रख दिया है ऑलरेडी। बाकी दूसरे मसाले की तैयारियां चल रही है। दाम खिचड़ी जो बनती है वो पूर्ण रूप से सात्विक बनती है, उसमें अदरक लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं होता है। तो ये आलू भी काट दिए, आलू अपनी पसंद के हिसाब से आप अलग अलग शेप में काट सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से तेल में फ्राई करेंगे। ये हरी मिर्ची स्वाद के हिसाब से, और ये ले लिए हैं मटर, और ये काट दिए हैं टमाटर। इसके अलावा इसमें अक्का काजू, अनार के दाने, ताजे अनार के दाने, और अंगूर की सीजन होती है तो अंगूर भी इसमें डाला जाता है। उसकी तैयारी भी चल रही है। इधर गट्टे पक रहे हैं, चावल हमारे उबल चुके हैं, तो इसका भी मसाला बनेगा ग्रेवी वाला, तो उसमें डाला जाएगा। लो जी, ये गट्टे उबल गए हैं, अब इनकी कटिंग होगी। देखो फूल के बड़े भी हो गए, कटिंग कीजिए मैडम इनकी। इस प्रकार से इन गट्टों को काटा जाता है। इसी गट्टे से सब्जी बनेगी और इसी से पुलाव बनेगा। गट्टे ज़्यादा बनाए गए हैं, आपको पहले भी बता दिया हमने। ये देखिए ऐसे इसका स्लाइस कटता है। गट्टा जैसे ही तुरंत निकले तो गरम गरम इसको नहीं काटना चाहिए, कि इसे टूटता जा रहा है। 5-7 मिनट के बाद हल्का ठंडा करने के बाद में ऐसे चाकू से सारे गट्टों को काट दिया जाएगा। थोड़ी गर्म है इसलिए टूट रहे हैं, 5-7 मिनट ठंडे हो जाए तो टूटेंगे नहीं। ये इस तरह की साइज गट्टों की काट देते हैं। गट्टे कट गए हैं, अंगूर भी आ गए हैं। नीतू जी इधर आओ। अंगूर, अनार का दाना और ये साबुत काजू। नीतू क्या खा रही हो, क्या खा रही हो, बोलो तो सही। क्या गट्टा? अच्छा गट्टा खा रहे हो। तो पहले इन गट्टों को भूंजेंगे, तो तेल थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लेना पड़ेगा। सब्जी के लिए अलग से गट्टे करना, वो भी सही में तल के ले लेंगे। ठीक है, गर्म होने दो। हो गया, गट्टे डालो इसमें। तो थोड़े एक साथ नहीं डालना, थोड़े थोड़े डाल के फ्राई करके बाद लो। एक साथ डालेंगे तो तेल कम पड़ जाएगा। हाँ बस इतना फ्राई, थोड़े और डाल लो। इनको हल्का सा फ्राई करके निकाल देना, ज़्यादा फ्राई करेंगे तो कड़क हो जाएंगे। 2 मिनट के लिए थोड़ा सा गर्म नहीं हो जाए। एक और बर्तन लिया, उसको निकालने के लिए जारा भी लिया। फ्राई करने से थोड़ा स्वाद बढ़ जाता है, कड़वापन भी कम हो जाता है। अगर आपको ये गट्टे स्टोर करने हैं तो इसको और तेज अच्छे से फ्राई करके, ज़्यादा तेज फ्राई करना है इनको। हम 2-3 दिन के लिए स्टोर, सब्जी बनाने के लिए स्टोर करने के लिए रखना चाहते हैं अगर आपको। ऐसे ही सारे गट्टे हम फ्राई कर देंगे और इनको निकाल लेंगे बाहर। गट्टे सारे फ्राई कर दिए हैं सब्जी के लिए और पुलाव के लिए। अब ये जो आलू काटे थे इनको फ्राई करेंगे। तेल गरम है, इसी में डाल के सारे आलू डाल दो एक साथ। इसको थोड़ा टाइम लगेगा नरम होने में और पकने में। अच्छे से इसमें पका देंगे, 2-3 मिनट तक इसको पकाएंगे। 2-3 नहीं, सारी कम से कम 5-7 मिनट लगेगा।
धीरे धीरे हिलाना, इसको ज्यादा हिलाना नहीं, जब ये पक जाएंगे तो इसको भी निकाल देंगे। आलू अच्छी तरह से नरम हो गए, अच्छे से फ्राई हो गए, अब इनको बाहर निकाल देते हैं। अब हमने एक बड़ा कढ़ाया ले लिया है जिसमें सारा मसाला मिलाएंगे, तो इसमें हम ले रहे हैं देसी घी, लगाओ वगा लगाने के लिए, थोड़ा और ले लो ताकि इसमें घी की अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब सबसे पहले इसमें काजू भूनेंगे, घी गर्म हो जाए तो, घी गर्म हो गया है तो सबसे पहले हम इसमें काजू डाल देंगे, ज्यादा इसको फ्राई नहीं करेंगे नहीं तो ये लाल हो जाते हैं। हल्का सा हिलाओ इसको, हल्का सा कलर चेंज होते ही इसमें दूसरे खड़े मसाले वगैरह डाल देंगे। इसमें हमने लिया है हींग, जीरा, तेज पत्ता और ये लवंग है और दाना इलायची, ये भी इसमें डाल दिया है। काजू और ये गर्म मसाला, तेज पत्ता, हींग वगैरह सब साथ में भून रहे हैं। थोड़ा सा कलर चेंज होते ही इसके अंदर हम ये हरी मिर्ची डाल देंगे। काजू को ज्यादा नहीं सेकना है, ज्यादा सेकने से क्या है कि मजा लाल जल्दी हो जाते हैं काजू, ये तेज गर्म है। थोड़ा सा मिर्ची को फ्राई करेंगे, आप चाहे तो इसमें अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन राम खिचड़ी में कोई भी प्रकार का अदरक लहसुन प्याज वगैरह नहीं पड़ता है, तो हमने अदरक नहीं डाली है, लहसुन प्याज भी नहीं डाला है। और अब ये डाल देंगे इसमें मटर, मिर्ची भी फ्राई हो गई, ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है नहीं तो फिर उसका टेस्ट चला जाता है। अच्छे से मटर को फ्राई कर दीजिए, 2 मिनट तक इसको फ्राई कर दीजिए। काजू जले नहीं, काजू जल रहे हैं, अब तुरंत नमक मिर्च डाल दीजिए स्वाद के अनुसार, नमक जल्दी से डालिए नहीं काजू जल जाएंगे। हाँ डाल दीजिए हल्दी, फटाफट डाल दीजिए टाइम कम है। अब लाल मिर्ची डाल दीजिए और हिला के इसमें फिर पानी डाल दीजिए, लाल मिर्ची ज़्यादा नहीं डालनी है क्योंकि हमने हरी मिर्ची तेज रखी है, सफ़ेद मिर्ची भी डल जाती है। अब इसको एक बार हिला के थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ताकि मसाले जले नहीं, और थोड़ा सा पानी डाल दीजिए इसमें, पानी डालते हुए ध्यान रखें आग नहीं पकड़े एकदम, थोड़ा सा पानी जिसमें ये मसाला अच्छे से पक जाए। थोड़ा पानी और डाल दीजिए क्योंकि आलू भी खींचेगा पानी। अभी मसालों को भूनने दीजिए, कम से कम 4-5 मिनट का समय दीजिए धीमी आंच पे। मिर्च मसाला अच्छे से भून गया है, कम से कम 5 मिनट का समय हो गया है, अब इसमें डालेंगे ये आलू। कुछ पानी आलू भी खींच देंगे, इसको 5 मिनट तक और पकाएंगे ताकि इसका पूरा पानी खींच जाए। ये आलू भी इसका रस्सा खींच लें, ग्रेवी का स्वाद आलू के अंदर आ जाए। हरा धनिया भी इसमें डाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा अभी डाल दीजिए, थोड़ा इसमें बाद में डाला जाएगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा गरम मसाला डाल दीजिए, जल्दी लाइए, घर का मसाला वो थोड़ा ही डालिए, हर चीज़ लिमिट की, कम मात्रा में हर चीज़ देने से उसका स्वाद ज़्यादा खिलता है। इसको अच्छे से हिला दीजिए, हाँ टमाटर डाल दीजिए, हल्का सा इसको हिला दीजिए, पूरे टमाटर डाल दीजिए, टमाटर को ज़्यादा पकाना नहीं है, थोड़ा सा नरम करना है बस। पूरा मसाला होने के बाद में एक बार नमक जरूर चेक करना है, नमक कम ज़्यादा हो सकता है। अब इसमें जितने गट्टे हमको डालने हैं वो गट्टे डाल दीजिए, थोड़े गट्टे और डाल दीजिए, बाकी गट्टे की सब्जी बनेगी गट्टे की। ठीक, थोड़े गट्टे और भी डाले तो चलेगा, एक बराबर है वैसे।
थोड़े से गट्टे और डाल दीजिए, थोड़े से, ज़्यादा नहीं। इस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। नीचे चिपके नहीं, आँच कम कर दीजिए, अच्छे से मिला दीजिए। अब हम इसमें चावल मिला देंगे, चावल लो। ये जो चावल थे इनको हमने खुला कर दिया था, थोड़ा घी भी मिलाया इसके अंदर। अब चावल मिला दिए, डाल दीजिए, फटाफट डाल दीजिए इसके अंदर। चावल खिले खिले होने चाहिए। पहले एक बार डाल दीजिए, फिर मिलाइए। इसमें जितने अच्छे से आवे उतना समा दीजिए, बाकी चक्कर के साथ खाएंगे। अब इसके अंदर ये अनार का दाना और अंगूर भी मिला देंगे। काजू पहले ही डाल दिया था, और थोड़ा सा हरा धनिया और मिला दीजिए। फिर अच्छे से मिक्स करके इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको भाप देंगे हम। गरम मसाला पहले डाल दिया है, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, और फिर ढक्कन लगा के रख देंगे। बढ़िया से मिक्स कर दो इसको, अच्छी तरह से मिला दो। चावल का दाना भी टूटे नहीं, एकदम खिला खिला रहे। देखो कितना बढ़िया रंग आया, सुंदर रंग आया इसका। और हल्की सी आंच करके इसको ढक्कन लगा के रख देंगे, ताकि ये एकदम खिल जाए। नमक चेक कर लेंगे, फिर नमक टेस्ट कर दीजिए। इस तरीके से अच्छे तरह से मिला के इसको वापस ढक्कन लगा के कम से कम 10 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी सी आंच पे, जीरो आंच, लगभग जीरो फ्लेम पर इसको रख देंगे, ताकि सारा पानी एब्जॉर्ब कर ले और एकदम खिला खिला हो जाए। इस तरीके से हमारी राम खिचड़ी तैयार हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। दोस्तों, हमारा चैनल छोटा है, आपके सहयोग से ही आगे बढ़ेगा, और कुछ सुधार की आवश्यकता हो वो सुधार आप हमको कमेंट में बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ।